हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखने जा रहे हो हनुमान चालीसा और लाउडस्पीकर के विवाद में सोनू सूद ने क्या कहा। साथ ही जानेंगे क्यों बॉलीवुड के इतने बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर फिल्म बनाने के बदले खोल रहे हैं एक ज्वेलरी शॉप। इसके बाद देखेंगे कि पहले सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ था वो अब हो रहा है इस उभरते हुए एक्टर के साथ, और अजय देवगन कौन सी गलती दोबारा दोहराने जा रहे हैं। साथ ही देखेंगे भोजपुरी स्टार पवन सिंह क्यों आजकल लगा रहे हैं पूजा और पाठ में ध्यान। फरहान अख्तर बहुत ही जल्द मार्वल स्टूडियोज की नई सीरीज मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से हॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हैं। एक पुराने इंटरव्यू में अमृता सिंह ने कहा था कि वह सैफ अली खान को फ्राई पैन से मारना चाहती है, और वो इसलिए क्योंकि वह सैफ अली खान को किसी दूसरे हीरोइनों के साथ देखकर काफ़ी जलस फील करती है। अमृता ने इंटरव्यू में आगे कहा था कि मैं हर वक्त उन पर नज़र नहीं रख सकती हूँ क्योंकि मैं खुद वह लाइफ जी चुकी हूँ। मैं लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ, गुस्सा भी करती हूँ, वह सब चीज़ करती हूँ जो दूसरे लड़की करती है। मैं फ्राई पैन से सैफ को मारना चाहती हूँ। इसके बाद सैफ अली खान ने भी मजाक में कहा था कि वह पहले भी मार चुकी है। कंगना रनावत के रियलिटी शो लॉकअप के विनर बन चुके हैं मुनव्वर फारूकी। शो को जीतने के बाद मुनव्वर फारूकी को 20 लाख रुपये और एक लग्जरी कार इनाम के रूप में मिला। करण जौहर जो खुद को बहुत बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कहते हैं, अब वह एक ज्वेलरी शॉप ओपन किया है क्योंकि अब उनकी फिल्में तो चल नहीं रही है तो कमाई का कोई दूसरा जरिया तो ढूंढना ही पड़ेगा, और इसलिए उन्होंने ज्वेलरी शॉप खोला है। पहले जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ था अब वही सब अब कार्तिक आर्यन के साथ होना शुरू हो चुका है। पहले कार्तिक आर्यन को करण जौहर ने ब्लैकलिस्ट किया था और अब एकता कपूर ने। बता दें आपको कि एकता कपूर कार्तिक आर्यन के फिल्म शहजादा की प्रोड्यूसर थी और अब उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया है। हालांकि कार्तिक आर्यन को बहुत ही जल्द एक नया प्रोड्यूसर मिल चुका है, लेकिन अब कार्तिक आर्यन के साथ भी वही सब होना शुरू हो चुका है जो कभी सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ था। ये बड़े बड़े फिल्म मेकर्स खुद को समझते क्या है, जब भी इंडस्ट्री के बाहर से कोई आकर इतना अच्छा काम कर रहा होता है तो इन्हें इतना जलन क्यों होता है। अजय देवगन को डायरेक्टर बनने का धुन सवार है, और सिवाय और रनवे 34 जैसे फ्लॉप फिल्मों के डायरेक्टर रह चुके अजय देवगन अब दे दे प्यार दे का पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं। और लोगों का मानना है कि अजय देवगन इस बार फिर से एक और बड़ी गलती करने जा रहे हैं क्योंकि वो एक्टर तो अच्छे हैं लेकिन डायरेक्टर के रूप में उतने अच्छे काम नहीं कर पाए, और उनके द्वारा डायरेक्ट किया गया सभी फिल्म फ्लॉप हुआ है। सो ऑडियंस को लगता है कि दे दे प्यार दे का सीक्वल भी फ्लॉप होने वाला है। हमारा तो बस यही सलाह है कि अजय देवगन डायरेक्शन को छोड़कर एक्टिंग पर ही ज़्यादा ध्यान दें तो बेटर होगा। KGF चैप्टर 2 फैन मोहन जुनेजा का निधन हो चुका है। लंबे समय से वो बीमारी से जूझ रहे थे और उन्होंने बेंगलोर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना अंतिम सांस लिया है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह मन की शांति के लिए भगवान के शरण में आए हैं। बता दें आपको कि उनके निजी लाइफ में बहुत सारे झंझटों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण पहली पत्नी की आत्महत्या करने के बाद अब दूसरी पत्नी से भी तलाक हो चुका है। साथ ही पवन सिंह खेसारी लाल के साथ हमेशा विवादों में जुड़े रहते हैं, और फिर उसके बाद अक्षरा सिंह के नए गाने अब किसका घर जलाओगे से पवन सिंह का रियल लाइफ काफी उलझ गया है। राखी सावंत ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में राखी सावंत अपने पति हितेश के नाम के बना हुआ टैटू को निकाल रही है। साथ ही लोगों को यह सलाह भी दे रही है कि प्यार में पागल होने के बाद किसी के नाम का टैटू नहीं बनाना चाहिए। लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा के विवाद में सोनू सूद ने दुख जाहिर करते हुए कहा है कि हनुमान चालीसा और लाउडस्पीकर को लेकर चल रहे विवादों से दुख होता है। जिस तरह लोग एक दूसरे के खिलाफ जहर उगल रहे हैं वह भी दिल तोड़ देता है। पिछले 2.5 सालों में हमने मिलकर कोरोना महामारी से लड़ाई लड़ी है, ऐसे में हमें अभी भी साथ रहना चाहिए। बॉलीवुड से जुड़े इसी तरह के न्यूज अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।